हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास रेसिपी। आज हम पराठा बनाएंगे प्याज का। उसके लिए हमने आटा गूंद लिया है। ये देखिए, हमें इस तरह का नरम आटा गूंदना पड़ता है। नमक है, हरी मिर्ची है, प्याज, इसको मैं छोटे छोटे काट लूँगी। ये मैंने प्याज, हरी मिर्ची, नमक डाल के इसको मसाला तैयार कर लिया है। अब इसमें हम इसको इस मसाला को इसमें भरेंगे। ऐसे इसमें डाल लिया है। अब इसको हम इसको ऐसे करके इसका बंद करेंगे हम इसको। अब इसको हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे। अब इसको हम बेलन से बेल लेंगे। ये मैंने बेल लिया है। अब दूसरी तरफ तावा मैंने गरम करने रखा हुआ है। यहाँ पे ये गरम हो गया है। अब इसको तावा में डाल देते हैं। ये तावा में रख दिया है, हाई फ्लेम कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर बाद पलटेंगे। ये मैंने दूसरी तरफ पलटा लिया है। अब हम इसमें इसके ऊपर चम्मच से ऑयल लगाएंगे। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे ऐसे करके। ऐसे करके ऑयल लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी ऐसे ही करके लगाएंगे हम ऑयल। हमने इसको दोनों तरफ ऑयल लगा लिया है। अच्छे से इसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये पक जाए। दूसरी तरफ पलटाते हैं, ऐसे करके इसे प्रेस करेंगे हम किनारे पे ऐसे करके। इसको मैं कांटे वाले चम्मच ले लूंगी, तो ऐसे ऐसे करूंगी। हमारा पराठा बन गया है। अब बाकी जो है हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, पराठा हमारा बन गया है। मैं इसको सॉस के साथ खाऊंगी। इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी बनाइए।